सभी सज्जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को विदित है कि मैं हरपाल सिंह चौधरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवानीपुरा में कार्यरत हूँ। वहाँ मैं 2012 से अभी तक लगातार कार्यरत हूँ। अभी 2020 का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान में मेरा चयन हुआ है, इसलिए मैं सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जैसे मैं शिक्षण के क्षेत्र में बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा मैं TLM का यूज़ करता हूँ। TLM का मतलब टीचर लर्निंग मटेरियल। जैसे बच्चों को हम शिक्षण का कार्य करवाते हैं तो सबसे पहले हम TLM का यूज़ करते हैं। TLM में से बच्चा क्या जल्दी सीखता है, जैसे हम प्रत्यक्ष में बच्चे के सामने मोती माला और डंडियों इनका मैं सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। उससे क्या बच्चे का ज्ञान एक तो स्थायी होता है, बच्चा एक उसे कम समय के लिए नहीं उसे मतलब जीवन भर याद रखने के हिसाब से सीखता है। मोती डंडियों की माला से जैसे गिनती सिखाना और मतलब बहुत सारी जैसे जोड़ बाकी आदि के पैटर्न को हम मोती माला से भी सिखा सकते हैं और मैं तो यूज भी करता हूँ अधिकतर स्कूल में। इससे मेरे को बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर बहुत ज़्यादा सुधर पाया और बच्चों के साथ हमेशा मैं एक मित्रवत की तरह व्यवहार करता हूँ। बच्चों को कभी कभी मैं जैसे समूह में बैठा कर उनके साथ चर्चा करता हूँ, जिससे बच्चों की उनकी झिझक दूर होती है। बच्चों को एक मतलब एक अपनी बच्चों के और शिक्षक के बीच में जो एक अंतर होता है उसको थोड़ा डर होता है उसको मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। बच्चे के साथ में बैठता हूँ तो इससे बच्चे क्या है कि उनके अंदर एक डर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। बच्चे समझते हैं कि तो गुरु जी तो हमारे मित्र है, हमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके मैं हमेशा हर अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देता हूँ, चाहे वो किसी भी हो बच्चे को मैं उनको बोलने का प्रत्येक अवसर देता हूँ, जिससे उसकी क्या स्कूल के प्रति भी एक इंटरेस्ट रहता आने का। भाई हम स्कूल में चले वहाँ का माहौल अच्छा है तो उनको माहौल बनाना पड़ता है सबसे पहले बच्चों को। और हम प्रार्थना सभा में बच्चों को सबको अखबार जैसे एक दिन में एक बच्चे को अखबार का वाचन करवाते हैं, जिससे बच्चे की झिझक भी दूर होती है, अभिव्यक्ति भी विकसित होती है और बच्चे के शैक्षणिक स्तर को हमें सुधारने के लिए मैं अनेक तरीके से मतलब लिखित तो नहीं मेरे पास लेकिन मैं हर तरह से प्रयास करता हूँ कि ये बच्चे के सामने कौन सी समस्या है उस समस्या को मैं हर तरह से समाधान करने का प्रयास करता हूँ। उनकी मैं ये भी देखता हूँ कि बच्चे के घर का वातावरण कैसा है, बच्चे के साथ में घर वाले कैसे व्यवहार करते हैं, तो उसकी जो समस्या होती है ना उसको मैं मतलब एक चिंतन के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करता हूँ, उसे हल करने का एक हद तक मतलब तैयार रहता हूँ उसको कि बच्चे ये क्यों नहीं सीख रहा, इसका पीछे क्या कारण हो सकता है, या उसके वातावरण का कारण है या कुछ हम में कुछ कमियाँ हैं या कुछ इनके जो साथ में बैठते हैं बच्चे तो उनसे कोई समस्या आ रही है। तो हर तरह की गतिविधियों के बारे में मैं अपनी बच्चे की हर गतिविधि को अपने नोटिस में रखता हूँ, इससे वो बच्चे की क्या मेरे को हर गतिविधि का ध्यान रहता है और मैं हर समस्या को उसकी जो हल कर पाता हूँ। बच्चे प्रार्थना सभा में बच्चों को प्रत्येक बच्चे को दोए बोलने अनमोल वचन अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी देते हैं प्रार्थना सभा में, जिससे बच्चे की एक झिझक दूर होती है, बच्चा कुछ अपने जैसे हिंदी भाषा के शब्दों को उनको एक अपने क्रमबद्धता से जोड़ना सीख जाए, मिला के बोल सकता है, जिससे हिंदी भाषा का विकास भी होता है बच्चे में। और बच्चों को जैसे वहाँ में हमारे स्कूल में जैसे भामाशाह की तो मैंने प्रयास भी किया है विद्यालय में भामाशाहों को जोड़ने का, लेकिन वहाँ की कुछ उनकी गांव वालों की मजबूरी भी है क्योंकि वो गरीब परिवार से है तो ज़्यादातर वहाँ की समाज लगभग रोजाना मजदूरी करके ही काम चलाते हैं, मध्यम वर्ग के बिल्कुल एक गरीब परिवार है। तो वहाँ तो भामाशाहों का मुझे सहयोग तो नहीं मिला लेकिन मेरे को जितने भी संसाधन है वो तो कम लागत में जैसे कम
TLM बनाना, तो ये मैं अपने स्तर पर अपने हिसाब से बना के ले जाता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे मोती माला और लकड़ी की वो डंडियाँ होती है, कंचे होते हैं, बहुत सारी TLM होती है स्थानीय मान सिखाने के लिए, वैसे गिलास होते हैं, उनको मैं अपने हिसाब से ले जाता हूँ। क्योंकि शिक्षण में ज़्यादा महंगी चीज़ों से शिक्षण नहीं किया जा सकता, हम अपने जो हमारे पास पर्याप्त संसाधन है उससे उपयोग करके हम शिक्षण को एक बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने। इसलिए मैं भामाशाहों का तो मेरे पास इतना सहयोग तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं फिर भी मैं तो ये सोचता हूँ कि जो हमारे पास साधन है उसका हम अधिकतर उपयोग करके उनको बच्चों को लाभान्वित करें। और बच्चे का मैं तो ये समझता हूँ कि एक उनको बच्चे को हर बच्चे को प्रत्येक बच्चे को एक बुनियादी शिक्षा तो कम से कम मिल ही पाए, कि हमारे यहाँ से 5वीं पास करके जाए तो मुझे भी एक अनुभूति होती है कि बच्चा हमसे कोई जो सीख के जा रहा है ना, तो कम से कम हमने उनके साथ प्रयास किया और वो कुछ सीख के जा रहा है, तो मुझे भी एक जीवन में खुशी मिलती है, अपनी आत्मा से मुझे खुशी मिलती है, और वही सबसे बड़ा मेरे जीवन का शायद सम्मान मानता हूँ मैं तो जीवन में। और देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी साथियों से भी, और मेरी भी ये सोच है कि बच्चे मेरे लिए एक भगवान की तरह, मैं बच्चों को भगवान की तरह ही पूजता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भगवान वही है, उनकी सेवा करता हूँ। क्योंकि बच्चे ही आउटपुट देते हैं, हम जब उनको बच्चों को इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट समाज में देते हैं, और वही आने वाले समाज में समाज का निर्माण करते हैं, वही देश का निर्माण करते हैं। तो मैं बच्चों के साथ हर तरह का प्रयास करता हूँ और उनकी पूजा के समान मैं उनकी सेवा करता हूँ, क्योंकि वो उनमें मुझे एक भगवान सा नज़र आता है बच्चों के अंदर। इसलिए मैं उनकी प्रत्येक मतलब जैसे 5-6 घंटे स्कूल में रहते हैं तो बिल्कुल एक मंदिर में जाते हैं ना, वैसे ही मैं वहाँ 5-6 घंटे मंदिर समझ के उनकी सेवा करता हूँ। बिल्कुल एक प्रत्येक गतिविधि को अपनी नॉलेज में रखता हूँ कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। जब भोजन भी करते हैं तो मैं उनके सामने रहता हूँ हमेशा, भोजन करते वक्त भी मतलब 5-6 घंटे उनको मैं बिल्कुल सामने घूमता रहता हूँ और मित्रवत व्यवहार की तरह रहता हूँ। कोई भय तो बिल्कुल नाम की मैंने रखा है ना बच्चों में, भाई जो चाहे वो पूछ सकते हैं और उनकी समस्याओं का मैं समाधान करता रहता हूँ। और ये बुनियादी शिक्षा तो देखो मैंने कुछ जैसे साहित्य पढ़े, कुछ उनमें से गांधी जी ने कहा था कि भारत में जो बुनियादी शिक्षा वो तो मिलनी चाहिए, और उनकी विचारधारा से मैं थोड़ा सा उनके जीवन में ग्रहण कर पाया हूँ कि उनकी विचारधारा से ही मैं कुछ बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और उस विचारधारा से ही काम कर रहा हूँ। और हमें कोई देखे या न देखे, या कोई हमारे स्कूल में कोई चेक करने आए नहीं करने आए, लेकिन मैं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा भावना से बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करने को हमेशा अपने आप को तैयार रखता हूँ। जितना हम बच्चे को इनपुट देते हैं बच्चे उतने ही आउटपुट देते हैं, हमें किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं किसी काम को, बच्चे स्वयं हमारा परिणाम स्वयं बच्चे दिखा देते हैं कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, और उसको हम दिखाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं, बच्चे ऑटोमेटिकली हमारे को ये बता देते हैं कि शिक्षक ने कार्य किया है नहीं किया इस विद्यालय में, क्योंकि वो आगे धीरे धीरे चलते हैं। जैसे मैंने 6वीं में जाते हैं 7वीं में जाते हैं, तो वहाँ बच्चे को अगर बच्चे की नींव मजबूत हो गई प्राइमरी लेवल पर, तो बच्चे में चाहे कैसे भी आप शिक्षण कार्य कराओ वो बच्चा ग्रहण करता जाएगा। और देखो शिक्षा को जीव को उपार्जन से न जोड़कर जीवन से जोड़ना चाहिए, ये भी मैंने जीवन में देखा कि जीव को उपार्जन से जोड़ने पर शिक्षा का एक सीमित क्षेत्र हो जाता है, और जब हम शिक्षा को जीवन से जोड़ते हैं तो उसका व्यापक स्तर हो जाता है। तो जीवन से जोड़ने के लिए शिक्षा को वो एक लंबे समय तक जीवन भर चलती रहती है अगर जीवन से जोड़ेंगे, अगर जीव को उपार्जन से जोड़ेंगे तो जैसे हम बच्चों को एक ही लक्ष्य रह जाएगा कि हम कहीं सर्विस लगना बस यही करना बस यही करना, बस वो एक सीमित क्षेत्र हो जाएगा और वो आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, बस एक नौकरी लग जाएगा और वो समाज के लिए देश के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, बस आया स्कूल में जाए पढ़ाए कुछ टीचर बनो चाहे पुलिस बनो चाहे कुछ भी बनो, उसका एक लक्ष्य रह जाता है जीवन उपार्जन के लिए उन्हें नौकरी मिल गई। बल्कि शिक्षा को हमें जीवन से जोड़ना चाहिए न कि जीव को उपार्जन से, शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर शिक्षा से हमें बच्चे के मानव के सर्वांगीण विकास होते हैं, जैसे बौद्धिक विकास होता है शारीरिक मानसिक सभी तरह के विकास होते हैं। और इनके लिए मैंने बच्चों के साथ प्रत्येक एक्टिविटी
में हिस्सा लेने का, जैसे खेल उनका खेल का मनाज, तो उन सब बस खिलाने में व्यस्त रहते हैं हम बस, कि भाई बच्चे का जैसे मुझे जैसे 10-15 मिनट हुई खिला लिया, बच्चों ने कह दिया, तो फिर उनके एक अध्यापन कार्य की ओर ले जाते हैं बच्चे को। उससे क्या बच्चे के में की रुचि भी जागृत तो होती है और थोड़ा बच्चे आनंदित तो होते हैं, इससे बच्चे की जो सीखने की क्षमता वो ठीक रहती है। जैसे हमारे तो क्या विद्यालय में आंगनबाड़ी भी सम्मिलित विद्यालय, तो वहाँ बच्चे कभी कभी हम बड़े बच्चों को जैसे थोड़ा सा हल्का सी कुछ गलत काम कर देते हैं, उसको डांटते हैं, तो वो छोटे बच्चे पर असर पड़ता हो तो वो डरने लग जाते हैं। तो वो डर इस डर को मैंने दूर करने के लिए मैं बच्चों को कम से कम 10 या 15 दिनों तक बच्चों के साथ खेलना कूदना हंसना कार्य प्रारंभ करता हूँ, जबकि जिससे बच्चे को ये महसूस हो जाए कि हम अनजान स्थान पर ना आए आज, ये कोई बंधन वाली जगह नहीं। बच्चा ये सोचे कि हम एक ऐसे माहौल में आए आज जो यहाँ आनंद आता है, मज़ा आता है। क्योंकि पहले बच्चे को पढ़ाई का बोझ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, सबसे पहले बच्चे को सबसे पहले उनका आने के लिए उसे प्रेरित करें, भाई रोज़ाना वो स्कूल में आए, वो कैसे आए, उसके लिए उनको हर तरह के जैसे खेल खिलाना, उसके साथ हास्य चर्चाएँ करना, उसे कुछ अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चे के साथ एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, कि ये महसूस नहीं करे कि हम यहाँ एक अनजान जगह आ गए। मैं जब तक अध्यापन कार्य प्रारंभ नहीं करता कि बच्चा स्वयं अपनी इच्छा से शाला आना प्रारंभ न करे, बच्चे की इच्छा ये हो अपने माता पिता को, बच्चा ये बोलता है मेरे स्कूल में कि मेरे को आज स्कूल जाना है, मेरे को छोड़ गया हो, तो उनके अभी जो माता पिता अभिभावक है वो रोज़ाना छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल छोड़ना आते हैं, उनके आगे से कहते हैं बच्चे कि मैं स्कूल आऊँगा, और पूरे टाइम भर रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे वो आंगनबाड़ी के, वो भी बिल्कुल वहाँ हमारे पास ही बैठे रहते हैं, उनको भी अध्यापन कार्य करवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। इससे यह महसूस रहता है कि बच्चे को कि ये जगह कोई अनजान जगह नहीं, ये एक ऐसा माहौल है यहाँ विद्यालय का कि हमें यहाँ डर नाम की कोई चीज़ नहीं रखना चाहिए। और ये हम मैंने मेरे विद्यालय में मैंने किया भी है। बच्चों को शिक्षण में समस्या आती है, किसी बच्चे को गणित में, किसी को अंग्रेजी में, तो बच्चों को जिस मैं ये देखता हूँ कि किस वातावरण से आ रहा, वहाँ के वातावरण के साथ, तो उसकी मैं एक अपने आप अपने स्तर पर चिंतन करता हूँ कि अरे इसी विषय में कैसे कमज़ोर है, तो उसे हम ये करने के हम प्रयास करते हैं कि भाई इसको ये कैसी समस्या आ रही है, तो इसको समस्या आ रही है तो उसको हमें हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर ये और चर्चा के माध्यम में सुझाव भी देता हूँ, जैसे अभिभावक हमें ये भी पूछते हैं बात, या एक या दो दिन के अंदर बच्चों से, बच्चों के अभिभावक हैं उनसे मैं चर्चा कर लेता हूँ, जैसे घर भी चला जाता हूँ या वो भी विद्यालय आ जाते तो उनसे चर्चा कर लेते हैं कि बच्चे में कौन सी समस्या है, तो आप भी बताइए कि बच्चा घर जाने के बाद स्वाध्याय भी थोड़ा सा करता है क्या या नहीं करता है, तो जैसे काम तो कर लेता हूँ, हमारा घर कार्य भी जो डालते हैं वो प्रतिदिन चेक करते हैं और उसको करके भी लाते हैं। लेकिन ये अभिभावक उसी में पूछते हैं कि इनके जो इनकी गतिविधि भी कैसी है, कैसे रहते हैं, तो अभिभावक हमें संतुष्ट करते हैं, जैसे अभिभावक कहते हैं कि बच्चा हमारा बच्चा ठीक है, पढ़ता भी है, घर जाके आप बताओ गुरुजी की बच्ची बच्चा ये कैसे, हमारा बच्चा कैसा है, तो हम बताते हैं आप भी, तो हमें एक आचार विचारों के माध्यम से अभिभावक और हम शिक्षक के बीच में देखते हैं कि किस बात की समस्या, तो उसके हम एक समस्या का उपचारात्मक अध्ययन करते हैं। प्रत्येक हम प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चिंतन करते हैं, जिससे कि बच्चे की भाई ये कितना बच्चा किस विषय में कमज़ोर है, तो ये क्यों है, इसकी हल निकालने के बाद ही हम आगे कोई अध्याय शुरू करते हैं। ऐसे नहीं कि हम जैसे गए और वैसे जैसे पढ़ाना ही हमारा एक बार पढ़ा दिया बच्चा सीखे नहीं सीखे, मैं जब तक अगले अध्याय अगले टॉपिक या अगले बिंदु संदर्भ के बारे में बात नहीं करता बच्चों से, जब तक बच्चा अपने स्वयं के विवेक से उस कार्य को न कर ले, प्रत्येक प्रश्न को हम बच्चे के साथ साझा करते हैं, तब जाके हमें ये होती है कि बच्चा प्रत्येक अपने स्तर पर सीख रहा कुछ न कुछ। ये तो मैंने शिक्षण का कार्य किया, शिक्षण के हर तरह से मैं गुण लक्षण देखना बहुत ज़रूरी होता है हमें, कि आप कुछ भी कहिए, जैसे हमें APF की ट्रेनिंगों में बहुत कुछ मिलता है, उससे जो हमें कुछ नवाचार की पद्धतियाँ मिलती है, उससे नवाचार
जैसे वहाँ से हमने सीखा है, तो उन नवाचारों को मैं बच्चों के साथ प्रस्तुत करते हैं। बच्चे बड़े आनंद से नवाचार के माध्यम से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उनके साथ एक मित्रवत बैठ के, जैसे बीच में बैठ के प्रत्येक बच्चे को समूह में बैठ के उनके साथ चर्चा करना, क्योंकि जब बच्चे के साथ में प्रयास करेंगे बार बार, तो बच्चे की समस्या हर चीज़ का उसका निराकरण कर पाएंगे, तब जाके वो बच्चा आगे सीखता रहता है। और हमने जैसे शिक्षण कार्य तो विद्यालय में किया है, विद्यालय में वृक्षारोपण भी करते हैं, तो बच्चों से भी मैं कुछ मदद, जैसे उनकी आवश्यकता अनुसार, जैसे उनके एक बच्चा दूसरी या तीसरी में पढ़ता है तो उससे लोटा जग उठा पाता पानी का, तो उससे हम लोटे और जग का उपयोग करते हैं बच्चे के साथ में, जिससे बच्चा ये सोचे कि बच्चे कि मैं उनके प्रति पर्यावरण के प्रति भी एक चेतना जागृत होती है, जिससे वो बच्चे आने वाले समय में पर्यावरण का महत्व समझ सके, उसका ये अभ्यास भी हम करते हैं। और मैंने तो कम से कम 10 वर्षों से पर्यावरण क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चला रखा अपने स्तर पर। मैंने किसी की जैसे लोगों में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए मैंने अभियान चला रखा है, तो उन्होंने मैं हर साल में प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन पौधों की सेवा करता हूँ और उन्हें पानी भी पिलाता हूँ। और अधिकतर में ये प्रेरणा मुझे सन 2000 में अंदर जब मेरे पिताजी महाराष्ट्र में अन्नाजारे के गांव गए थे, तो वहाँ जो राले सीधी गांव है, वहाँ नजारे का गांव है, तो वहाँ जो वाटरशेड कमेटी के जो अध्यक्ष थे, कुछ गांव के लोग थे, तो वहाँ घूमने के हिसाब से गए थे। तो वहाँ ने जो राले सीधी गांव में पर्यावरण क्षेत्र का जो देखा ना, वहाँ का जो वातावरण दृश्य प्रकृति का और जल संरक्षण का, जब वो वापस आए तो जब मैं कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, तो उन्होंने जब आके विचारों के माध्यम से और कुछ किताबें भी लेके आए थे पुस्तकें वहाँ से, तो उन्होंने मैंने जब किताबों या पुस्तकों में पढ़ा, जब पुस्तकों में पढ़ा तो मेरे अंदर एक नई एक नई ऐसी सोच विकसित हुई, जिससे कि मैं भी यार कम से कम अपने गांव को या अपने देश को समाज को एक मतलब पर्यावरण के प्रति हरा भरा कर दूँ, कम से कम गांव को तो पहले हरा भरा करूँ। तो वहाँ से तो मुझे एक प्रेरणा की चेत पर्यावरण के प्रति प्रेरणा मिली है, क्योंकि उन्होंने यार जहाँ भी बात होती थी तो वहाँ बताते थे कि पिताजी की, गांव वाले बताते थे कि वहाँ इतना मनोहर दृश्य है कि वहाँ प्रकृति का पेड़ ही पेड़ है और पानी पानी है, कोई पानी की भी कमी नहीं है यार, तो वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य था ना बड़ा ही मोहक था। तो उन्हें मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने उनकी जो विचारों से ये महसूस किया है कम से कम हम अपने गांव में तो ऐसा वातावरण बना दें कि प्रकृति में प्रकृति को एक भी लोगों में भी चेतना जागे और प्रकृति का एक मनोहर दृश्य बने। तो ये सोच मेरे को वहाँ से विकसित हुई है और मैं पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मेरे गाँव मंदोलाई में भी मंदोलाई में किया, मैंने इधर कुछ गाँव में भी किया आसपास में, आने वाले समय में भी कार्य में करता रहूँगा, ये तो जब तक करता रहूँगा जब तक जीवन है तब तक काम करता रहूँगा, ये सब तो मैं विद्यालय में भी करता रहूँगा और पर्यावरण क्षेत्र में भी अपना काम करता रहूँगा जीवन पर्यंत, क्योंकि प्रकृति और बच्चे एक भगवान का ही रूप होता है। उनकी मैं प्रकृति में मुझे कि भगवान की तरह नज़र आती है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, तो हम भी प्रकृति को कुछ ना कुछ दें, तब और ये जीवन भी सार्थक तभी होता है जब हम समाज के लिए इस देश के लिए कुछ करें, वरना हम जीने पर तो सभी अपने अपने, सब पशु पक्षी भी अपने हिसाब से जीते हैं, सब अपने अपने लिए जीते हैं, लेकिन हमें मानव होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें इस समाज इस देश के लिए कुछ कुछ नया करके जाएं, जैसे हम किसी के लिए आदर्श बने और किसी के लिए महान बने। तो इस प्रेरणा से मैं ये प्रकृति के लिए कार्य कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। जैसे हर पर्यावरण, जैसे पर्यावरण दिवस आता है या कोई प्रकृति संरक्षण दिवस आता है, तो उस वक्त में लोगों से पर्यावरण पेड़ पौधों के रक्षा सूत्र बांध कर लोगों को पर्यावरण की जागृति भी दिलाता हूँ और उनके साथ संकल्प लेता हूँ, लोग बच्चों के साथ पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं जिससे लोगों में पर्यावरण की चेतना जागृत होती है। और मैंने एक चीज़ ये, जब शिक्षक हमारा जो ट्रेनिंग काल होता है उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि शिक्षक समाज का आईना होता है, मैंने उस वक्त तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन वो उस चीज़ का मैं एनालाइज नहीं कर पाया कि शिक्षक समाज का आईना कैसे होता है।
जैसे मैं शिक्षक बना, तो शिक्षक बनने के बाद फिर मैंने ये इस चीज़ पर बहुत मंथन किया कि शिक्षक समाज का आईना कैसा होता है। हर बार मेरे दिमाग में ये बात रिपीट होती रहती थी कि शिक्षक समाज का आईना कैसा। तो मैंने धीरे धीरे इस चीज़ का अभ्यास भी किया और जानने की कोशिश भी की किताबों के माध्यम से कैसे। फिर मैंने अपने आप में मेरे अंदर एक नया विचार आया कि शिक्षक समाज का आईना कैसे होता है। मैंने उस चीज़ को महसूस कर लिया वाकई में कि शिक्षक एक समाज का आईना होता है, क्योंकि जैसा शिक्षक होता जाएगा वैसा समाज होता जाएगा। क्योंकि ये बच्चे जब शिक्षक के बच्चे के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है, कहने का मतलब ये कि एक बच्चा शिक्षक से सब कुछ सीखता है, अपने परिवार से वातावरण से तो सीखता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट बच्चे पर एक शिक्षक से ही आता है। वही शिक्षक बच्चा आज आने वाले समाज में समाज में बनता है, एक गांव गांव बनता है, फिर देश पूरे वही बड़े होकर देश का निर्माण करते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को समझ पाया कि वाकई में शिक्षक एक समाज का आईना होता है। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रगतिशील समाज का निर्माण करना चाहते हैं हम, यदि एक विकसित समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो कम से कम अपने जो विद्यालय में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनके साथ हम एक ऐसे संस्कार, ऐसा एक माहौल उत्पन्न कर दें कि बच्चे को आने वाले समय में वो शिक्षा का समझ कर देश हित में समाज हित में उपयोग कर सके। चलो जीव को पार्जन के लिए तो कर लेगा बच्चा शिक्षा, लेकिन अगर वो उसका जीवन से जोड़ देंगे तो वो जिंदगी भर उसके काम आती रहेगी वो शिक्षा। क्योंकि हम एक शिक्षक को जीव को उपार्जन से लेंगे तो उन्हें डिग्री मिल जाएगी, डिग्री जीवन में एक ही बार काम आती है, लेकिन शिक्षा जिंदगी प्रयत्न काम आती रहती है व्यक्ति के लिए। हम ये सोचते हैं, कभी कभी ये भी सोचते हैं कि जैसे हमारे गांव में या हम पढ़ते थे तब भी ये सोचते थे कि बच्चे को शिक्षा इसी हिसाब से देते हैं कि बच्चा सर्विस लग जाए और ठीक है मिल गया, ठीक आगे आगे से बस मिल गई नौकरी करे मज। तो ये हमारी सोच है, उसको हमें विकसित करना चाहिए कि शिक्षा जीविकोपार्जन के साथ साथ समाज देश हित मानव कल्याण के लिए, खुद के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत उपयोगी होती है। जिस समाज जिस देश जिस व्यक्ति का विकास हुआ है एक शिक्षा से हुआ है, न कि और अन्य से हुआ। बिल्कुल शिक्षा हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को तैयार रखती है। मैं अब इस उद्देश्य से ही कि बच्चे का हर तरह के विकास और देश का कल्याण हो, इसी विकास से अपने कर्म के प्रति निष्ठा बनाकर बिल्कुल ईमानदारी से, न तो हमें चाहे देखो या न देखो कोई अधिकारी हमारे को चेक करने आए न करने आए तो भी हमें अपने कार्य के प्रति बिल्कुल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। और मैं तो ये तो कार्य करता हूँ, जो ये विचार मैं आज बोल रहा हूँ ये विचार बिल्कुल वही बोल रहा हूँ जो जीवन में मैंने किया है और मैं किया और करता भी रहूँगा जीवन पर्यंत। रही बात प्रकृति की, तो प्रकृति के कार्य को तो मैं जैसे प्रकृति के लिए मेरे को बहुत समस्याएं भी आई है जीवन में, मेरे को जैसे कुछ ऐसी समस्याएं भी आई है जो मैं आपके साथ फेसबुक पर साझा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को ध्यान है कि उससे बता भी नहीं सकता उनको, क्योंकि वो कुछ हमारी इंडिविजुअल समस्याएं थी। लेकिन फिर भी मैं हमेशा इस कार्य को मैंने कह दिया कि किसी को भी कि भाई कार्य को मैं जीवन पर्यंत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस कार्य में मेरी रुचि है और ये मैंने समाज के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे देश के लिए मैं इस कार्य को करता रहूंगा और आगे भी करता रहूंगा। ये कार्य जिंदगी, क्योंकि प्रकृति से ही हम, प्रकृति से ही तो आज यहाँ है। प्रकृति जब चाहती है तभी सब कुछ विनाश भी कर सकती है और संपन्न भी कर सकती है, और ये बच्चे भी देश का निर्माण करते हैं। तो हमें कम से कम अपने बच्चों के साथ अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते रहना चाहिए। और बच्चों को हमेशा एक ही, बच्चों को हमें अलग अलग संदर्भों में सिखाते रहना चाहिए। एक ही नहीं कि हमने जैसे जोड़ पढ़ा दिया, जैसे बोर्ड पर उतार दिया और वैसे काम, वैसे बिल्कुल नहीं। अलग अलग तरीकों से अलग अलग मेथड होती है, उससे बच्चे को एक अलग अलग तरीकों से बताएं ताकि बच्चा उस एक एक नियम के एक सूत्र में बंध कर उस अलग को कर ले, तो वो जीवन में फिर उसी काम नहीं आती वो चीज़। उसको अलग अलग माध्यमों से सिखाए तो उनका ज्ञान क्या स्थायी रहेगा। प्रकृति के पर्यावरण, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन में हमेशा
जो भी काम करें अपनी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ हमें करना चाहिए। जीवन की यही मैं न तो किसी जो पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहा हूँ आज 10 वर्षों से, तो न तो मैं किसी सम्मान के लिए किया, न मैंने किसी की और जो भी शिक्षण कार्य किया तो मैंने न तो सम्मान के लिए किया। सर सम्मान तो एकमात्र सिर्फ हमारी पीठ थपथपाने का काम है, बल्कि असली सम्मान तो है जब हमारे बच्चे कुछ सीख जाते हैं और जब आगे जाते हैं और आगे पढ़ के अगली कक्षा में अच्छी अच्छी में परसेंटेज बनाते हैं और आगे जीवन में सफल होते हैं, तो उससे बड़ा मेरे को पुरस्कार शायद मिलता नहीं। उससे बड़ा कोई मेरे लिए पुरस्कार नहीं, चाहे सबसे बड़ा पुरस्कार वो मानता हूँ मैं। एक तो जब अपनी आत्मा किसी कार्य के लिए सेटिस्फाइड हो गई तो हम ये समझते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और पर्यावरण क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ तो ये समझ लूँ ये समझता हूँ कि जब लोगों में प्रकृति के प्रति इतनी ईमानदारी से ये सोच विकसित हो जाए कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के प्रकृति की जागृति उत्पन्न हो जाए और वो कम से कम जैसे अपने घर मतलब सार्वजनिक जगह चाहे कहीं भी लगाए वो कम से कम वर्ष में 1-2 पौधे जरूर अवश्य लगाएं, जब तब जाके हमारा जो ये वृक्ष पर्यावरण का अनुपात बिगड़ा हुआ है कुछ 9 पॉइंट कुछ ही है, लेकिन नियम के अनुसार 33% रहना चाहिए, 9 पॉइंट के आसपास 9-10 के बीच में है अभी, लेकिन ये 33% तभी बनेगा जब हम सभी पर्यावरण के प्रति जागृति लाएंगे, चाहे वो सार्वजनिक जगह पर लगाए चाहे अपने निजी स्थान पर लगाए कहीं भी लगाए, लेकिन हमेशा लगाते रहने चाहिए पर्यावरण के पेड़ पौधे। और अध्यापन कार्य में मैंने सबसे ज़्यादा कारगर हथियार TLM को माना है। शिक्षण में नवाचार और TLM सहशैक्षिक गतिविधियां जैसे खेल कूद, इसको मैंने एक कारगर बिल्कुल मतलब एक स्टीक तरीका माना इसके। और ज़्यादातर मैं तो अपने यही सबसे यूज में लेता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए कि TLM बहुत ही मतलब कारगर ये साबित होती है कि बच्चे को मैं तो जैसे मोती माला का तो मैं इतना प्रयोग करता हूँ कि बच्चों को गिनती सिखाने में जोड़ सिखाओ बाकी सिखाओ कुछ ऐसी मतलब उनकी एक चिंतन शक्ति को बहुत ज़्यादा विकसित करने के लिए मोतीमाला का सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ और बच्चे उससे सीखते भी हैं। मैंने कुछ उनका वीडियो भी बनाया बच्चों का भाई ये बिल्कुल है या सही नहीं है, मैंने किसी जो शिक्षाविद उनसे पूछा बिल्कुल ये प्रयोग आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल बच्चे इससे आनंदित बिल्कुल एक आनंदित होकर सीखते हैं। पर्यावरण के लिए हमने सबसे पहले पर्यावरण के लिए मैंने 10 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और पर्यावरण के लिए मैं जैसे रोड हमारे गांव मांडोला ये गांव हमारा तो वहाँ मैंने रोड पर गांव की माल रोड पर वहाँ मैंने 2-3 किलोमीटर तक दो रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण कर रखा है। और मैं उनको जैसे साल में मैं जैसे मेरे हिसाब से जैसे मेरे से होता है ना जैसे 100, 200, 500 वृक्ष पौधे लगा देता हूँ उनको और मैं अपने हिसाब से ही सेवा करता हूँ। किसी की मदद नहीं तो मिली है मेरे को अभी तक तो नहीं मिली है, अपने स्तर से उनको लाना और अपने स्तर से उनको पानी पिलाना और उनके अपने स्तर से उनको सुरक्षा के लिए मैं ज़्यादातर तो जो विलायती बबूल होते हैं उनको उनकी काट के टहनियाँ लगा देता हूँ, उससे पशुओं की सुरक्षा रहती है जिससे वो पशु नुकसान नहीं होता। और वो आज लगभग सभी रोड पर बिल्कुल बहुत बड़े बड़े हो गए, छाया की तरह हो गए, बिल्कुल 8-8, 10-10 साल के वृक्ष हो गए और विद्यालय में लगाए और कुछ गेहूँ में लगाए मैंने और आने वाले समय भी ये लगाता रहूँगा। ये पर्यावरण क्षेत्र में मैंने जो काम किया वो एक ऐसा काम किया कि मैंने किसी की मदद नहीं लिया आज दिन तक, न मेरे को किसी के सहयोग मिला अभी तक। तो मैं गांव वालों को यही कहता हूँ कि आप भी लगाओ हर जगह लगाओ, मेरे गांव वालों को भी कहता हूँ कि आप हर जगह लगाओ, तो मैं भी उनकी मदद मांगता हूँ लेकिन कोई मेरे साथ ऐसी अभी तक तो तैयार तो नहीं हुआ, लेकिन वो हमेशा मेरे को मोटिवेट जरूर करते हैं मेरे गांव वाले कि हमेशा ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और उन्होंने मुझे को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया, आप जैसे आप लगाते हो आप लगाओ अच्छा आपको ये अच्छा ये हमारे गांव के लिए भी। मैंने सोचा भाई पर्यावरण तो लगाना ही है तो आप भी लगाओ, कम से कम अपने घर पर लगाओ, वहाँ नहीं लगा सकते आप कहीं भी लगाओ पर तो लगाते रहो आप, तो लोगों में आज
जो हमारे गांव क्षेत्र पर्यावरण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक जागृति उत्पन्न हो गई है, और गांव वाले सभी अपने घरों पर और ये सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे हमारे गांव में तालाब, पाल, विद्यालय, उन सभी पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसके लिए हम पर्यावरण पर्यावरण को हमने करने के लिए मैं 8-10 साल से कर रहा हूँ मैं इतने, मतलब ये वहाँ कुछ इच्छा से कुछ लालसा से नहीं काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा मैं वहाँ, जो कार्य कर रहा हूँ एक निस्वार्थ मन से कर रहा हूँ, किसी भी पर्पज के उद्देश्य नहीं। मेरा एक ही पर्पज है कि प्रकृति के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करना, और इसी जीवन में आकर हम समाज, इस गांव को, इस समाज को और इस देश को कुछ ना कुछ पर्यावरण, कम से कम पर्यावरण में कुछ एक दे के जाएँ। और शिक्षण कार्य तो हमारा है ही, जो उसमें तो हम करते ही हैं शिक्षण कार्य, तो वो तो एक हमारा प्रतिदिन का कार्य है। उसमें हम बच्चों को 5-6 घंटे अभ्यास कराते हैं, वो बिल्कुल अपने वहाँ भी मैं बिल्कुल तन मन से कार्य, अब बच्चों के प्रति समर्पित हूँ, त्याग की भावना से समर्पित हूँ वहाँ भी। ये नहीं कि आज ये टाइम पास किया है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। मैं जब तक बच्चा सीखता नहीं तो मुझे आनंद नहीं आता बिल्कुल भी, जब सीखा नहीं तो मैं समझता हूँ कि आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, ये समझ के आता हूँ मैं तो भाई मैंने कुछ मेहनत ही नहीं की बच्चों के सामने, तो वो भी मैं मेहनत से करता हूँ और बिल्कुल ईमानदारी से करता हूँ बिल्कुल। और वृक्षारोपण जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, और आने वाले समय में एक से जो वृक्षारोपण कार्य है उसको एक मैं व्यापक स्तर पर करूँगा। अभी तो मैंने उसको क्या एक छोटे स्तर पर कार्य कर रहा हूँ, तो उसको एक लिमिटेशन के हिसाब से अकेला हूँ इसलिए, और अब मैं थोड़ा सा वो उसको एक व्यापक स्तर पर करूँगा। उसको मैं अब जैसे कि 50 गांवों में या 10 गांवों में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागृति, उनको लगवाना और वहाँ लगवाऊंगा भी सही। और मैं अपने स्तर पर कार्य कर रहा हूँ पेड़ पौधों के लिए, तो किसी की अभी तो मदद नहीं मिली, लेकिन गांव वाले मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। हमारे गांव में कुछ हमारे शिक्षक साथी भी है जो हमें ऐसा मोटिवेट करते रहते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आपको जो भी मदद हो हमारी तरफ से वो बोलना आप। वो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कि वो जी ये बात कहते हैं ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि मेरे को ये मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि गांव वालों भी मेरे साथ है, ये समझ के ही मैं अपने काम करता हूँ। और अब तो लोगों को इतना विश्वास हो गया कि ये जो काम कर रहा है ना वे बिल्कुल एक निस्वार्थ मन से कर रहा है, लेकिन पहले तो लोग सोचते थे कि ये कुछ पर्पज़ के हिसाब से कर रहा होगा, जो शायद निरक्षर होते ना वो सोचते थे, तो साक्षर थे वो तो ये सोचते थे कि ये एक निस्वार्थ मन से कर रहा है, तो उनसे थोड़ी मेरे को पहले पहले परेशानी होती थी, अब तो मेरे को बिल्कुल परेशानी नहीं है, वो मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करने लग गए वहाँ। जैसे उनकी वो विलायती बबूल की जो काट के लगाता हूँ वो कटीले, उनको भी वो वापस रख देते हैं, वो जैसे हवा से टूट जाती है, उड़ जाती है, तो उनको सही करते हैं। और मैं 3 वर्ष में 365 में से 350 दिन वृक्षों के लिए डेली 3 घंटे श्रमदान करता हूँ, डेली 3 घंटे, 2 घंटे सुबह और 1 घंटा, जैसे स्कूल का टाइम जल्दी रहता है तो सुबह जल्दी जाके 1 घंटा, और जैसे 10 बजे का टाइम रहता है तो थोड़ा अधिक टाइम दे लेता हूँ, लेकिन मैं काम यही करता हूँ एक शिक्षण कार्य और पर्यावरण क्षेत्र में। अपने जीवन को मतलब इनके लिए मैंने समर्पित कर रखा है, एक तो बच्चों के पढ़ाने के लिए और एक पर्यावरण के क्षेत्र के लिए। जीवन में मुझे किसी चीज़ की न तो लालसा है और न कुछ ऐसा कुछ पाने की कि जिससे हमें कुछ मिले वृक्षारोपण करने से और शिक्षण से, बस मेरा एक ही जीवन में एक ही मकसद है कि ये बच्चे बच्चों को तन मन से पढ़ाऊँ, और ये पर्यावरण क्षेत्र में भी अपने आप को त्याग की भावना से समर्पित करके पर्यावरण को एक ऐसी सोच विकसित कर दूँ लोगों के अंदर कि हम सभी को साल में एक एक या दो वृक्ष तो अवश्य वर्षांत ऋतु में लगाना चाहिए, और लगाते अब लगाते हैं मेरे गांव में, आसपास के लोग भी बिल्कुल बहुत जागृत हुए हैं, जैसे हमारे आसपास की पंचायतें हैं दतोब और पवालिया और ये रिनलिया, इनमें काफ़ी पर्यावरण का स्तर सुधरा। जैसे हमारे विद्यालय की झाड़ी पंचायत है वहाँ भी पर्यावरण का अच्छा स्तर सुधरा, वहाँ भी पर्यावरण में लोग लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल में वहाँ भी बच्चों जो युवा है उनकी भी मदद करता हूँ, वो भी लगाते हैं, तो ऐसे ऐसे पर्यावरण का जो स्तर सुधरा उससे मुझे बहुत सबसे बड़ी खुशी तो उससे मिल रही है कि लोग पर्यावरण के लिए जागृत हो रहे हैं, और जो मैं स्कूल में अपना कार्य कर रहा हूँ वो बिल्कुल एक मेरे संतोषप्रद मानता हूँ। जब मेरी
आत्मा में ये खुशी होती है ना कि मैंने बच्चों को सिखाया, तो मेरी आत्मा एक आनंदित होती है, और वही भी मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान भी मानता हूँ जीवन में, सबसे बड़ा सम्मान वही मानता हूँ। जब बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है ना, सबसे बड़ा सम्मान वही मानता हूँ मैं तो। और कुछ ही एक सम्मान तो पीर तप्त पाने के लिए ही मानता हूँ। सम्मान पाने की इच्छा से मैंने कभी जीवन में कुछ कार्य न तो किया न करूँगा। सम्मान कोई अलग की चीज़ होती है मेरे लिए। मैं तो सिर्फ सम्मान को उसी चीज़ को मानता हूँ जब मैं अपने कार्य में सफल हो जाता हूँ ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो मैं इतना ही फिर इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ, जैसे कि एक जो एक मुझे इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है, जब अकबर और महाराणा प्रताप थे तो सर उनको क्या महाराणा जब अकबर को ये समाचार मिला कि प्रताप की मृत्यु हो गई, तो उसे ये यकीन नहीं हुआ था कि अकबर ने कि प्रताप की मृत्यु हो सकती है क्या, वो नहीं माना। फिर उनके जो विश्वसनीय सेनापति थे उन्होंने भेजा कि जाके मालूम करके आओ कि प्रताप हकीकत में प्रताप का मृत्यु हुई की है प्रताप की। जब उसे ये बात का यकीन हुआ था, उन्होंने एक ही बात कही थी, किसने कितने समय राज किया और कितने राज्यों पर राज किया ये बात कोई मायने नहीं रखती, किसने कितने के दिलों पर राज किया ये बात मायने रखती है। तो उस जो वाक्य बोला था ना, उससे मेरे जीवन में बहुत प्रेरणा मिली है कि मैं ये सोचता हूँ कि लोगों के मतलब जो दिलों में कितनी मेरे प्रति एक तो दिलों में कितनी जगह बने, और ये सोच के बने कि ये इतना अच्छा कार्य करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो लोग भी जो पर्यावरण के लिए काम करें तो इस सोच को मेरे को देख के ही करे, परंतु तो कर कम से कम मेरे को देख के ही करेंगे तो आखिर में वो पर्यावरण का स्तर सुधर जाएगा। और मैंने तो ये देखा कि जब अपनी दृष्टि बदल देंगे तो सृष्टि तो अपने आप ही बदल जाती है। और ये पर्यावरण का काम ये मैं करता हूँ और करता भी रहूँगा। अब काफ़ी अच्छा सुधार हुआ और हमारे जो विद्यालय में स्टाफ्स आती है वो भी कुछ अच्छा ही अध्यापन में बहुत मेरी मदद करते हैं। जैसे कुछ चीज़ की हमें कोई TLM की मदद हो तो वो मेरे को मेरे मोटिवेशन करते हैं, वैसा भाई आप करते रहो, आपकी इच्छा तो आप जैसे करो ऐसे करो, तो मैं उनसे भी राय ले लेता हूँ। कुछ जो शिक्षक जो अनुभवशील शिक्षक है उनसे भी मैं साझा कर लेता हूँ किसी चीज़ अध्यापन के बारे में, कोई समस्या मेरे को भी आती है तो फिर बच्चों को मैं एक बिल्कुल एक एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ कि बच्चे कि इस चीज़ को हमें ऐसे करना चाहिए। और मैं बच्चों को जो संस्कारी चीज़ें ना उन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि बच्चे को एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए संस्कारी, जैसे बड़ों का आदर करना, बच्चों जैसे वो क्लास आती है ना, जैसे अपने कक्षा चार के बच्चे को जैसे बड़े छोटे को तो भैया बोलते हैं, और जैसे अपने क्लास में होने तो उसको नाम से पुकारते हैं। तो मैंने उनको नाम के बोलने के बाद में जी लगाना भी एक मैंने ये प्रयास किया। और नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए मैंने जैसे अपने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप अपने दादाजी को क्या बोलते हो, दादाजी के साथ कैसे रहते हो, तो उनको क्या दादाजी के साथ रहने से उनको बोलने से जो उसका भी उनका एक जो नैतिक मूल्य हो ना उनका भी विकास करवाते हैं। तो मेरा अभी तो शिक्षण अनुभव ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं कम से कम 8 वर्षों से इसी शिक्षण क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और पर्यावरण में तो 10 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये शिक्षण जो कर रहा हूँ उसमें अगर कमियाँ भी रह जाती है, जैसे कोई हमारे स्कूल में कोई चेक के लिए या जांच के लिए भी आते हैं, जैसे बच्चों को देखना उनको क्या करना, तो हमें तो मैं तो एक ही बात करता हूँ सभी से कि हमारी जो कमियाँ हो आप बताओ, हमें सुझाव दो, क्योंकि इंसान कमियाँ तो हो भी जाती है लेकिन दूसरी बार वो कमी मैं जीवन में कभी नहीं रखता, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या चाहे विद्यालय प्रबंधन की हो, कक्षा प्रबंधन की हो, चाहे कैसी भी हो, उसको मैं सुधारने का प्रयास करता हूँ। न हो तो भी मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चों को एक बार उनका जो शिक्षण स्तर है उनको देख के जाओ आप, और उसमें कमी हो तो हमें सुझाव दीजिए। हमारे जैसे PO साहब आते हैं, कोई RP साहब आते हैं, उनसे मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सर जीवन में हमें कुछ ना कुछ आप आए हैं तो हमें भी कुछ शिक्षण से संबंधित कुछ अच्छा बता के जाओ, जिससे बच्चे को हम भी कुछ नया सिखा सकें। और ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं, हर के माध्यम से सीखते हैं, और उनको बच्चों के साथ हम बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट के साथ
बच्चों के साथ धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं हर शिक्षण कार्य को। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जो जो भी हमारे फेसबुक पर लाइव हैं उनसे कहता हूँ कि जीवन में जो भी काम करें एक निस्वार्थ मन से काम करें, चाहे शिक्षक होने के नाते या एक आप कोई और व्यवसाय करो, चाहे आप पुलिस में हो चाहे कोई भी हो, अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखो। और कर्म के प्रति जो निष्ठा रखता हूँ मैं, एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा देश के और समाज के हित में काम करेगा, कभी ज़िंदगी में गलत काम कर ही नहीं सकता। अपने कर्म में अगर उनको विश्वास है कि हम तो जो कार्य कर रहे हैं वही सर्वोपरि कार्य है और वही सबसे अच्छा कार्य है, तो हम अपने कर्म के प्रति बिल्कुल वफादार होकर कार्य करना चाहिए। अब दुनिया भले कुछ भी कहे न कहे, मैंने मैंने जीवन में बहुत देखा कि लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों के अनुसार तो मैं ज़िंदगी बहुत कम जीना जी सकते हैं, लोग तो क्या कुछ भी कहते रहते हैं ऐसे ऐसे, परंतु अपनी आत्मा से आज जहाँ के हमें ये कहना चाहिए कि हमें जो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा है, अपनी आत्मा से जहाँ के देखेंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल एक आत्मा की बच्चों के हिसाब से और मानव कल्याण के लिए एक सही साबित हो रहा है कि आने वाले समय, चाहे उस वक्त वो गलत हो सकता है लेकिन आने वाले समय में उसका एक अच्छा कार्य तो उसका परिणाम तो अच्छा ही आएगा, चाहे आप लोग कुछ भी कहे। इसके बारे में एक राधिका कांगड़ा जी ने भी कहा था, जो RS टॉपर की थी, नागौर की थी, उनका मैंने एक स्पीच देखा था, उसमें कहा था कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, जिस शहर में मैंने शीशे की दुकान खोली उस शहर में पत्थर के खरीददार बहुत हैं। तो कहने का मतलब यही कि लोगों की उम्मीदों पर हमें खरा उतरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें अपने कार्य के प्रति एक ईमानदारी से निष्ठा से काम करते जाओ, लोग आपके साथ सभी अपने साथ सम्मिलित हो जाएंगे। अगर कार्य हमारा अच्छा है तो आने वाले समय में सब अच्छे हो जाएंगे, अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो फिर आपकी बुराई तो होगी होगी और आपके साथ भी नहीं देंगे। लेकिन संघर्ष से जीवन में कभी न तो घबराना चाहिए, और संघर्ष ही जीवन में निखार लाता है, ये संघर्ष ही हमें जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को देता है, तब जाके हमारा जीवन सार्थक होता है। किसी के लिए कार्य करते हैं सार्थक होने पर होने के लिए हमें कुछ जीवन में त्यागना पड़ता है, और जीवन में जब तक हम त्यागेंगे नहीं, समर्पित नहीं होंगे, तो हम कुछ उपलब्धियाँ और कुछ अपने कार्य में सिद्धि नहीं पा सकते या आदर्श नहीं बन सकते। जो भी जीवन में आदर्श बना उसने जीवन में त्याग किया है, तब जाके वो जीवन में एक इतिहास भी बदला है और जीवन में सफल भी हुआ है। तो मैं अपनी सभी साथियों से या जो लाइव है उनसे, गुरुजनों को भी और सभी साथियों को यह कहना चाहता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र को मैं बिल्कुल एक ईमानदारी से, बिल्कुल एक कर्म के प्रति वफादार होकर कार्य कर रहा हूँ, और मैं करता भी रहूँगा ज़िंदगी भर। ये मेरा आपसे सभी से वादा है कि मैं जीवन में पर्यावरण के लिए एक ऐसी मिसाल पेश करूँगा कि लोग ये कहे कि वाकई में पर्यावरण के लिए काम कर रहा है और निस्वार्थ मन से कर रहा है। और जब तक मैं लोगों के अंदर ये पर्यावरण की चेतना जागृति नहीं होगी, तब तक मैं ये चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक पर्यावरण के प्रति तो एक बिल्कुल जुनून जुनून पैदा किया, मेरे अंदर एक पागलपन पैदा किया है। और जब तक इंसान के अंदर पागलपन, किसी काम के प्रति पागलपन और जुनून पादन पैदा नहीं होता, तब तक उन्हें सफलता भी नहीं मिलती है। चाहे लोग कुछ भी कहें, अपने अपने कार्य के प्रति अब तो बिल्कुल समर्पण की भाव से करना चाहिए, चाहे आप शिक्षण कार्य करो, चाहे देश या समाज के लिए कुछ भी कार्य करो, लेकिन वो समाज देश के हित में होना चाहिए, और जो अच्छा कार्य करते हैं वो समाज और देश के लिए लिए होता है। तो एक ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कुछ पंक्तियाँ, कुछ मेरे लफ्ज़ भी हैं ये, और मेरी सोच भी है, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो लोगों के दिलों को, बस जीवन में यही करना। कहने का मतलब यही है जीवन में कि एक निस्वार्थ भाव से हम ऐसा कुछ आदर्श कार्य करें जिससे लोगों के लिए हम एक मिसाल बन जाएं, और लोग हमारे लिए, लोगों के लिए हम आदर्श बन जाएं, और आने वाली पीढ़ी, जैसे बच्चों के साथ तो हम रहते हैं तो बच्चे भी, उनके लिए भी आदर्श बन जाए कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं और ऐसे काम करते हैं। कि मैंने ये जीवन में सबसे बड़ी बात तो एक ये सीखी है कि बच्चा हमेशा गुरुजी से सीखता सबसे ज़्यादा,
आज जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मेरे गुरु जी की देन है। मैंने आज भी मेरे को ध्यान है, मेरा पैर दूसरी में, तीसरी में, कक्षा चार में, कक्षा पाँच में, ऐसे कौन कौन से गुरुजी पढ़ाते थे और उनकी क्या गतिविधियाँ थी, वो कैसे कार्य करते, तो वो आज मैं वैसा का वैसा मैं खुद करता हूँ। तो इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि बच्चा हमेशा शिक्षक का बहुत ज़्यादा असर होता है और यही समाज का निर्माण करते हैं। और ये मैंने बात सिद्ध की कि समाज शिक्षक एक समाज का आईना होता है, जैसा समाज वैसा शिक्षक हो जाएगा। फिर तो कहने का मैं समाज से, और एक बात ये भी मानता हूँ मैं कि शिक्षक ही समाज के सबसे घनिष्ठ रहता है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, आप कहीं भी देखो तो उनका क्या अभिभावकों से जो चर्चाएं होती है तो उनका एक घनिष्ठ संबंध रहता है उनका, तो उनसे क्या, उनसे शिक्षक से भी बहुत कुछ सीखते हैं, समाज भी सीखता है और बच्चे तो सीखते ही हैं, बच्चों के साथ तो हम कार्य करते हैं तो सीखते हैं। और मैं बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए बहुत से मैंने ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं बच्चे के साथ कि उनकी परिस्थितियाँ देखता हूँ मैं बच्चों के साथ। तो सबसे पहले कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा, इसके साथ क्या समस्या है, उस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। एक मतलब एक चिंतन का कौशल विकसित करता हूँ मेरे अंदर भी, खुद के अंदर भी, भाई कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा और ये कैसे नहीं सीख रहा। तो उनके साथ ये हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के माध्यम से और अभिभावकों की चर्चा के माध्यम से और कुछ अन्य गतिविधियों के माध्यम से, परंतु TLM मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुए शिक्षण में। मैं जो भी गणित में, जैसे गणित तो ज़्यादा मैं करता हूँ, गणित का अभ्यास करवाता हूँ, सबसे ज़्यादा गणित की TLM तो हमेशा काम में लेता हूँ। और जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में भी जो अपने वातावरण में या घर में कोई चीज़ें होती है तो उनका पहले अभ्यास उनका करवाता हूँ मैं सबसे पहले जैसे बच्चों को। जैसे हम एप्पल पढ़ा रहे हैं तो एप्पल का बिल्कुल जैसे पोसार बांटते हैं तो उसमें क्या ऐसे फल फ्रूट भी बांटते हैं, तो बच्चे को प्रत्यक्ष में बताओ ना, बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और उसे सीखा भी बच्चे ने। तो यही मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों को, और कि जो आज मुझे जो राज्य स्तर पर सम्मान के लिए चयन हुआ वो मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता और मेरे साथी लोगों के आशीर्वाद से, और जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो आप कभी मांदोलाई आए तो देखना कि मांदोलाई में पर्यावरण के प्रति मतलब एक ऐसा वातावरण बन गया मांदोलाई कि मतलब एक धीरे धीरे आने वाले समय में मतलब एक दिन राजस्थान में तो इसका नाम होगा ही बिल्कुल, पर्यावरण क्षेत्र में बिल्कुल एक मतलब एक हरा भरा प्रदेश बनाने का मैंने संकल्प लिया, अपनी आत्मा में लिया है, और मैं आसपास के क्षेत्रों को भी करूँगा। पहले मैं अपनी कर्म जन्मभूमि से इस कार्य को शुरू किया है और मैं यहाँ कर भी रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो मैं यही इतना कह के धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।